गाइस, वी आर बैक एंड आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट में वन ब्लॉक। और जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो कि हमारे बिल्कुल नीचे ही है एक वन ब्लॉक, तो चलो जल्दी से इसको खोदना शुरू करते हैं। और ये क्या कह रहा है, द ब्लॉक विल रीजनरेट। हाँ मुझे पता है, मुझे मत सिखा, दिस इज इंफिनाइट। हाँ मुझे पता है, ब्लॉक्स इवन इम्प्रूव ओवर टाइम कैन सिस्टम। ओ अंडा, इससे हम लोग मुर्गी स्पॉन कर सकते हैं बाय द वे, एंड लार्ज योर प्लेटफॉर्म। हाँ लो गाइस, हम लोगों को प्लेटफॉर्म पे लार्ज करना, मतलब बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन वो हम डर्ट से नहीं करेंगे, फुट से करेंगे, क्योंकि डर्ट एक फेज के बाद आगे जाके और नहीं मिलेगी हमें, तो मतलब उस चीज़ के लिए वो नहीं होना चाहिए। ओ हमारा पलम हो तो अब, हाँ हम, ओ शिट, इसी का डर था हमसे, इसी का, ये ना, ये छूट क्यों जाता है, मुझे समझ नहीं आती। हेलो, वो भी गया, क्या बात है। तो इसलिए मैं अपने, ये मुझे सबक मिल गया कि इसलिए मैं अपनी चीज़ों का चेस्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी मौत वाकया हो सकती है। तो अब इस जल्दी से थोड़ी बहुत ही वुड्स को तोड़ते हैं और शुरू करते हैं। वुड मेरे पास बस चार हो जाए तो बस करते हैं, मेरे पास चार। यार ये क्या है, हद तो होगी, मैं सबसे पहले ना जाके अपडेट कहीं बनाऊ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे मुझे नहीं पता, दो दफा मर चुका हूँ मैं आते साथ। ये रिकवरी किट क्या है, मैं रेजिस्टेंस का क्या करूंगा, है वर्ल्ड मुझे रेजिस्टेंस से बचा लेगा क्या, दो दफा मर चुका हूँ। ब्लॉक्स लाइक ग्रेवल फॉल डाउन, पता है, चलो फिर गिर गया। ए मेरे ना गिरा दे यार, वाटर बकेट। जो जल्दी से मैं प्लेटफॉर्म को लॉन्च करना पड़ेगा, तू चल ना यार, तेरी वजह से कुछ चीज लगती भी नहीं है जस्ट। हाँ फाइनली, और अब हम लोगों ने यहाँ पे एटलीस्ट इतना तो बना ही लिया, 3x3 का वैसे भी बन जाएगा। ए इधर आ, मेरे पास आ, और ये गया डन। अब वो कह रहा था कि हाँ वो ब्लॉक फॉल डाउन होंगे, तो इसके लिए हमें नीचे एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा। डर्ट लगा देते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमारे पास नहीं है वो वुड। वुड अभी हमें आते साथ मिल ही जाएगी। और सबसे पहले हमें एक काम और भी करना है, हमें वो अपने टूल्स बनाने हैं और साथ में एक चेस्ट भी रखनी है जिसमें हम सात से सात अपना सामान रखते जाए, और हमें एक ब्लिट भी मिलती है, क्या बात है। पहले की तो मेरी सारी वुड ज़ाया हो गई है, तो अब शुरू करते हैं। और काफ़ी सारी वुड है इसमें तो, और टॉर्च भी, ये दैट्स गुड। तो टॉर्च को हम अपने पास ही रखते हैं अभी, अपने राइट हैंड में रखते थे, और इस लॉक के सारे प्लैक्स बना लेते हैं। एक क्राफ्टिंग टेबल और थोड़ी बहुत स्टिक्स। अब हम रेडी हैं अपने टूल्स को बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक शवल, क्योंकि उसी की भी हमें ज़रूरत है, और एक्स, ये दो चीज़ों की हमें ज़रूरत है। और अब इसको तोड़ देंगे यहाँ से। नहीं, मुझे एक चेस्ट भी बनाना है, लेकिन चेस्ट तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो बाकी बाकी वुड को प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में यूज़ करते हैं। और बस मैंने ये ध्यान रखना है कि मेरा शिफ्ट छूट ना जाए, वरना इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा सामान है मेरे पास, और ऊपर से बकेट भी है। हाँ अब ठीक है, और यहाँ से अब एक लेयर और करनी है, एंड नाउ वी आर रेडी। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स को यहाँ पे कर लेंगे,
और अब हम लोगों को जैसे ही कोई डर्ट वाली चीज आएगी तो एफ प्रेस करके सिंपली यहाँ से ये, ठीक है अब देखो, ओ हमारा पहला फेज आ गया प्लेन्स वाला, उसमें हमें खूब सारी डर्ट मिलेगी तो वो हमारे ट्रीज उगाने में काफी काम आएगी। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग ना यहाँ पे एक, देखो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं ये, अब यहाँ पे अपनी डर्ट लगाते हैं क्योंकि हमें वो जो ट्रीज हैं वो डर्ट पे ही उगेंगे, और अगर बारिश होती तो वो तो ज़्यादा जल्दी उग जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया एक सैपलिंग, हमें और सैपलिंग मिलेंगे तो हम वहाँ पे लगा देंगे। ओ देखो अब डर्ट आ गया ना, तो मैं लिटरली जस्ट एफ प्रेस करके ये, तो इससे हमारा काम स्पीड में होगा। तो गाइस हमें मिल चुका है हमारा पहला तो दूसरा जानवर, क्योंकि पहला तो तेरा साथी मर गया दोस्त, तेरा साथी मर गया लेकिन तू नहीं मरेगा, प्लीज उधर ना चाहिए वरना तू मर जाएगा पक्का है मुझे। तो गाइस दोबारा स्टार्ट करते हैं अपनी खोदा खोदी। तो गाइस हमें मिल चुका है हमारा दूसरा जानवर जो कि है काओ। यार हमें प्लेटफॉर्म थोड़ा सा लार्ज करना पड़ेगा। ओ पिक तो कहाँ जा रहा है, मुझे लगता है हमें थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा इसको। 12 ब्लॉक्स आ गए, इसको इस तरफ बढ़ाते हैं, इस तरफ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दोबारा से एक उधर लगाएंगे और इधर इधर और ये, अब आई थिंक नाइस है। बस यहाँ पे भी ना, यहाँ पर खड़ा हुआ इस पर भी दो, यहाँ पे जो मेरे पास बच रहे हैं उसको लगा देते हैं और दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपनी खोदा खोदी। तो ऐसे में हमारा दूसरा जानवर भी मिल गया, तीसरा जानवर भी मिल गया जो कि है शीप, और हमारे साथ में वो भी टूट गई है शवल, तो हमें और वुड की जरूरत पड़ेगी कि जो ये ट्री देगा, लेकिन ये उग ही नहीं रहा। आई थिंक इसको थोड़ा सा और चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इसका ना 3x3 का एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ और उसके सेंटर में इसको रख दूंगा, वो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। और इसको यहाँ पे शायद अब ये उग जाए जल्दी, और इसके यहाँ पे पानी भी डाल देता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए, आई डोंट नो। और ये हमें और भी चीज़ें मिल गई हैं, चेस्ट और साथ में लॉग बर्च का और एक और ओक का सैपलिंग। इस सैपलिंग को मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे डर्ट और अब जो आगे बढ़ाता हूँ और इसको यहाँ पे लगा के इधर लगा देते हैं और दोबारा स्टार्ट। नहीं अभी हमारे पास, हाँ एक शवल भी बनानी पड़ेगी दोबारा से, और जो मेरी शुरू में वुड जाया हुई है ना वो नहीं होनी चाहिए थी यार, ये कहा था ना अब हमें ये नहीं मिलेगी। हमें वुड तो ऐसे ऐसे आगे जाके भी मिलती रहेगी लेकिन ये नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं डर्ट, तो डर्ट इज इम्पोर्टेंट। और साथ में लॉक्स भी, लेकिन वो तो हमें ट्रीज देंगे वो जब उगेंगे, काश बारिश हो जाए ना तो वो ज़्यादा जल्दी उगेंगे। तो अब दोबारा स्टार्ट करते हैं अपनी खोदा खोदी। तो गाइस हमें मिल चुका है हमारा दो जानवर इकट्ठे जो कि है मुर्गियाँ, दो मुर्गियाँ। इनके लिए भी याद रखना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे रात भी हो रही है, कोई बात नहीं दोबारा शुरू करते हैं अपने खुदी खुदी। तो गाइस हमें मिल चुका है हमारा एक और पिग, तो हम जल्दी से, ओ वो काओ वहाँ पे पहुँच गई। यार ये इन लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे तो रात भी हो रही है तो जॉम्बीज वगैरह स्पॉन ना हो, तो इसके लिए एक टॉर्च भी लगा देंगे, लेकिन वो बोला एरिया, मेरे पास एक और टॉर्च आ गया नहीं।
यार वहां पे स्पॉन हो सकते हैं। कहो तू उधर जाना है, चल कोई बात नहीं, इधर ही रह मैं इस वाले एरिया। ओ शिट, मुर्गी क्या कर रही है? जा शीप शीप शीप, प्लीज 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 ब्रो, उधर जाओ 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 उधर जाओ। थैंक यू। यहाँ से इसका मामला ही खत्म। अब वहां पे ना कोई जा सकता और ना वहां से काओ और मुर्गी यहाँ पे आ सकते हैं। और मुर्गी तुझे तो ऊपर आ गई, ग्रेट। कोई बात नहीं, अब हम दोबारा से शुरू करते हैं अपनी खोला खोली। क्या है इस चेस्ट में? अंडे? कुछ भी। यार मिल चुका है हमारा एक, अबे एक और गाँव। यार मेरे पास अभी कुछ खाने का नहीं है ना, कोई मतलब क्या कहते हैं, कोई सीड्स नहीं है अभी तक। तो उससे हम लोग वीट वगैरह उगा के इन लोगों को ब्रीड तो करवा सकते हैं ना, ताकि हमारे पास और काउस वगैरह हो। काउ आगे जाओ निकलो। यार हो गया हमारे पास आई थिंक। लेकिन यार अभी रात हो रही है ना, अगर मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, मेरे पास वो टॉर्चेस भी नहीं है, तो वहाँ पे जॉम्बी स्क्रीपर स्पॉन होने का डर है। मैंने वहाँ पे तो ब्लॉक कर दी है, ताकि वहाँ पे अगर स्पॉन भी हो तो सुबह खुद ही चल के मर जाए। लेकिन इस साइड का जब बनाते बनाते तो कोई स्पॉन ना हो जाए ना, वो डर है। शिपू साइड पहुँचो यार, इधर से तोड़ते हैं। यार क्या कर रही है? उधर गिर ना, चल जो इसी बात का डर है। क्या कर रहे है? और हमारी दूसरी अशावल भी टूट गई। कोई बात नहीं, एक और बनाएंगे जब तक हमारे पास स्टोन का फेज नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो हमें भर भर के कोबल स्टोन मिलने वाले हैं। वेट करते हैं और मिलते हैं अगले फेज में। तो गाइस अभी हमारा दूसरा फेस मिल चुका है, जो कि होगा स्टोन का ऑब्वियसली, और 15 सेकंड का गैप है। कितना इंतज़ार किया था मैंने इस चीज़ के लिए। और अब इसके ब्लॉकेज को भी हटा देते हैं, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म को लार्ज। यार कितना इंतज़ार था मुझे इस चीज़ के लिए। यू रीच फेस टू दी अंडरग्राउंड मैनी अ मॉन्स्टर रूम थ्रू डार्क होलोस। यार मिल गया हमें हमारा पहला स्टोन। लेकिन इसको खोदने से पहले मेरे पास एक आईडिया, अपने प्लेटफॉर्म को फुल फुल लार्ज करना है। यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी दो दो कल लेके चलेंगे भाई, अमीर हो गए हैं। दूसरा फेज आ गया हमारे पास, और वुड भी काफी सारा। इन लोगों ने मुझे लग ही रहा था कि एंड पे देने के लिए काफी सारा रखा है, और अब यहाँ से भी थोड़ा सा कर देते हैं। और इन लोगों के लिए ना अलग सी जगह भी बनाएंगे, लेकिन अभी इस तरह से ना थोड़ा सा लार्ज हो जाए बस। ए ना यार क्या कर रहे है? प्लैंक्स भी ना इधर उधर लग चुके हैं, वैसे लगा तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्लैंक्स की गलती मेरी। चलो हो गया काम,
और अब हमें हम अपनी पहली स्टोन की मतलब पिकैक्स बनाएंगे। वुड नहीं है, अच्छा वो नहीं है, स्टिक्स, डंडे नहीं है हमारे पास, डंडे डंडे डंडे। और 28 बना लिया पूरा, मैं बेड़ा गर्क कर रहा हूँ। और अब सीधा ही हम लोग, यस यस स्टोन एज, ये बॉयज वी आर इन दी स्टोन एज। और अब हमें यहाँ पे से मिलने वाला भर के स्टोन। ए जाना यार, बहुत सारा स्टोन। ओको हमारा पहला ये कोल, मेरे ख्याल से वो हमें अपने टूल्स भी अपग्रेड करने लेने चाहिए। तो मेरे ख्याल से जस्ट सी, इसको भी खोलने के लिए क्या मशक्कतें करनी पड़नी है। कुलचा चाहिए, मिलती नहीं ऐसे। ग्रास ब्लॉक मेरे ख्याल से चेस्ट के अंदर से मिला होगा। हमारे सामने एक दरख्त बन गया, ये वी रीच टू आवर पहला दरख्त। नहीं, तेरी क्यों क्यों गिरो खोल रहा था वहां पे अपनी। मेरे पास एक ग्रास का ब्लॉक भी था जिससे मैं इनको ग्रास में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यार हद है भाई, अब मुझे एक और अपने लिए पिकैक्स बनानी पड़ेगी जल्दी से। अरे बनाओ इसको जल्दी से, डंडिया बनाओ। इधर जाओ, मैं खुद सा कुछ करने ही नहीं वाला। पिकैक्स बनाओ, तोड़ो इसको। यार इतना सारा कोबल स्टोन आ गया था मेरे पास, पिछले का भी कितना सब कुछ पड़ा हुआ था यार। अब यहाँ से जल्दी से तीन उठाओ, तीन के बाद यहाँ पे अपने लिए पिकैक्स बनाओ। फाइनली वी हैव एन अपग्रेड, लेकिन मैं बिल्कुल भी और हमारा दूसरा तरफ भी उग गया। एंड नाउ आई कैन से आई एम अमीर, आई एम अमीर। मजा आया। लेकिन जितना मुझे अभी के लिए अमीर हूँ, जितना भी मेरा मरा हुआ दुख था ना, सारा खत्म कर दिया यार इस आयरन ने। उफ चलो इसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं। दूसरा आयरन, आई एम टू खुश। पीछे जा जा, पीछे जा जा, पीछे पीछे जा। अरे हमारे एक कॉबल स्टोन है ना हमारे पास, तो लेट्स डू के एक हम लोग वो बना लें शवल उसकी, क्योंकि हमें इस तरह की चीज़ें तो अभी मिलती रहेंगी। तो आई थिंक अब हमारे पास ये वाला सिस्टम है। पहले हम लोग एक्स के साथ कर रहे थे, अब हम लोग ये पिक एक्स के साथ करेंगे, लेकिन शवल अभी भी अपनी जगह पे बरकरार है। यार मैंने कितना इंतज़ार किया था। ओ एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट, दिस 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 वेट। अभी के लिए इतना, इतनी सारी वुड भी थी यार मेरे पास, कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
हम लोग अपना बदला लेंगे वर्ल्ड से एक ना एक दिन। जिसको जाना चाहिए वहां पे तू तो नहीं जा रही, वो चली गई। हमारे पास गाइस हमारे पास अनलिमिटेड आ गया। अब वो क्या कहते हैं, मैं ऐसा कहते हैं यार, जब अपना पहला ओक का लोग हमारे ट्री में से कूदने जा रहे हैं। यस यार, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन अपना को अपना पहला लोग अपने हाथ से तोड़ेंगे, क्योंकि एक्स का बनाने के लिए हमारे पास इतना सामान नहीं है। यस, और वो ही हम लोग अब टॉर्च भी बना सकते हैं। यहाँ से जल्दी से और थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं उसको। आई नो कि थोड़ी सी मिक्सिंग मिक्सिंग हो रही है, लेकिन यार शुरू में चलता है, इतना इतना तो चलता है। आई थिंक अब मुझे जरा फेंसेस बनाने चाहिए, पर अंदर वाले को मुझे करना पड़ेगा इसका, इससे, क्योंकि ये लोग घास भी तो खाते हैं। स्टोन की एक्स बनाएंगे बेटा, हम लोग अमीर हो गए हैं। अमीर तो नहीं हुए। ये अच्छा चलो तू गिर जा, वो नहीं गिरनी चाहिए, वो रेड वाली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ए प्लीज जी पूछी वो जाने दो वुड को, यार मुझे कोई डर नहीं है। हमारे पूरी पूरे इस वन ब्लॉक के खाने का निजाम हो गया, इंतजाम। अभी हमारे पास वो एक डर्ट का ब्लॉक होता ना, तो क्या जाता है इन लोगों और डर्ट का ब्लॉक ही दे देते कम से कम मुझे। ए मशरूम तू उधर जा रहा है, आई थिंक अब मुझे क्या रेसिपी उसकी देखने का, मुझे ज़रा यहाँ ये फेंस अच्छे, इसके लिए मुझे स्टिक्स भी चाहिए। तो आई थिंक 8 काफ़ी होंगी, 7, क्या बात है। कोई बात नहीं, ओ हमारे पास यहाँ पे भी है। यस यस बॉयज, तो यहाँ से जल्दी से एक लॉक बना लेते हैं। अब हमारे बनेंगे ना काफी सारे। बारह फेंसेस, दैट्स गुड, मेरे ख्याल से इतने में हो जाएगा। मुझे शिप दबा के चल रहे, वन ब्लॉक में शिप बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल भी स्पेस का तो मतलब स्पेस बार तो दबानी ही नहीं है। ए दैट वर्क प्लीज। यस हमें फ्रेंड्स गेट भी बनाना पड़ेगा, फ्रेंड्स गेट। यार तो वो शीप खुद पर खुद ही अंदर चली गई, प्लीज प्लीज यार तू भी जाना। प्लीज भाई जाना, जा रही यार, प्लीज जा, कहो आप भी जाओ ना उधर यार, जाओ। यस यस या
आई थिंक टॉर्चेस बनाने का वक्त आ गया। एक किधर जा रहे हो तुम लोग? टॉर्च एक यहाँ पे, टॉर्च एक यहाँ पे। और एप्पल्स भी मिल गया हमें, और हमारा अगला ओक का सेप्टन दो मिले, क्या बात है। अब यहाँ से हम लोग दो और उगाएंगे। और इसके बिल्कुल साइड में लगा देंगे उधर की तरफ, ताकि इन लोगों को पूरी प्रॉपर रोशनी मिलती रहे। और यहाँ पे भी एक का हो रहा है खतरा। मेरे पास कोल तो है लेकिन मेरे पास डंडियाँ नहीं है। मेरे पास लोग हैं, इसको बना के जल्दी से डंडियाँ बनाएंगे। ए क्या करूँ मैं, डंडियाँ। अब इससे हम लोग बनाएंगे टॉर्चिस, मैनी मोर टॉर्चिस। अब हमारे पास टॉर्चिस डंडियाँ ज़्यादा है लेकिन कोल नहीं, क्या बात है। किसी चीज़ की मतलब कमी होनी होती है। यार क्या चल रहा है। अच्छा अब हम लोग दोबारा से अपनी खोदा खोदी स्टार्ट कर देंगे। दवाई जब मौका मिलता हूँ, जब तक हमें कोई और चेंज नहीं मिलता। ओ हमारी दूसरी मतलब वो गाँव आ गई है। मेरे ख्याल से इसको भी अंदर लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन आप अभी यहीं पर रहो, बाद में लेकर जाऊंगा। और मेरे ख्याल से लगे हाथ यहाँ पे एक चेस्ट ओथ करके ना। यस अब यहाँ पे सारा कुछ डाल देंगे जल्दी से। ये स्टोन की पिकेक्स कौन रखता है? ची सो चीप। यस हम जल्दी से तोड़ बनाते। ओह शिट गाइस, हमें पुराने पहले ज़ॉम्बी मिल के अपने। हाँ आए आए यार मार दिया। मतलब ज़ॉम्बीज भी स्पॉन होंगे। मेरे पास एक आइडिया है, इन्होंने मुझे मारा ना। यार अब जल्दी से ये देखा ना, अब मेरे पास फूड नहीं है तो मैं जानवरों को तो मारूंगा नहीं, क्योंकि वो जानवर मुझे मिलने ही वाले अभी। तो मैं यहाँ से जल्दी से बाउल्स बना लूंगा। अपन बाउल्स में से मैं क्या करूँगा? यस द सोर्स ऑफ फ्रूट। दिस इज मशरूम का स्ट्यू पी के हम लोग जिंदा रहेंगे अभी। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना इसको फेंसिस से ढक के यहाँ पे रखा जाए। दैट्स गुड, लेकिन इसके लिए हमारी क्राफ्टिंग टेबल की जरूरत पड़ेगी और वुड की भी थोड़ी सी। थोड़ी सी यहाँ पे स्टिक्स बना लेते हैं, और इसे दोबारा से फेंस, और फेंस चाहिए हमें। ठीक है हमारे फेंस हमें मिल गए। अब हम यहाँ पे ऐसे यार कम पड़ गए। वुड भी नहीं तो होगी इसमें, होगी हाँ। यस फेंस तो अब इसमें। ओह शिट मैं तो यहाँ पे प्लैंक्स बना दें। इसके प्लैंक्स बन गए, तो अब इसके हम लोग बना देंगे स्टिक्स। हमारे पास नहीं तो इसके स्टिक्स बनाएंगे अभी। स्टिक्स बना के हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे रख देंगे, और प्लैंक्स को यहाँ पे जो 2 बज के यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे रख के इसको ऐसे ऐसे, और ये हो गया। एंड दैट्स हाउ वी डू बैड। और अब लॉन्ग हम लोग यहाँ पे ना एक ऐसे बना लेंगे कि ये काउस भी राउंड पे चल सके। हाँ
ये हम लोग यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे करके और खोदा खोदी दोबारा स्टार्ट। ये होती है प्रोस, दैट्स हाउ प्रोस डू। अरे यार सो गाइस, आज हमारी अब स्टोन की पिकैक्स भी टूट गई है, और मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे जॉम्बीज भी आए हैं, काफ़ी सारे स्पाइडर्स और काफ़ी सारे क्रीपर की वजह से। ये देखो स्टोन का मैंने लगा दिया, ये भी तुम लोगों को इनका मिक्सिंग मिक्सिंग नज़र आ रहा होगा। काफ़ी सारे क्रीपर्स भी है, वो फटे भी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी देर होगी और मेरी रिकॉर्डिंग भी काफ़ी लंबी होगी है। तो अगली वीडियो में हम लोग अपना फेज 2 कंप्लीट करेंगे, और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि मैं और क्या कर सकता हूँ ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।